असलकम स्टूडेंट क्लास सेकेंड ईयर मुताल पाकिस्तान आज का जो हमारा टॉपिक है वो अच्छा निज़ाम हुकूमत और इस्लाम यानी टॉपिक के दो ऐसे हैं एक अपने अच्छे नज़ाम हुकूमत के बारे में बताना है और वो इस्लाम से किस तरह मिलता जुलता है या इस्लाम से उसका क्या तल्लक है तो सबसे पहले हम इसकी तारीफ़ देखते हैं इसकी तारीफ़ कुछ उसने यूँ की है आपकी बुक में कि अच्छा निज़ाम हुकूमत से मराद हुकूमत करने का ऐसा फ़न जिसमें तमाम अवामी फ़ैसले और दीगर हुकूमती मामलों साफ़ और शफाफ़ तरीके जो, जो से हैं सर अंजाम दिए जाएँ हुकूमती अहदेदारों को अपने अहदों का ज़िम्मेदार ठहराया जाए यहाँ पर लफ्स ये देखें अहदेदार यहाँ एक लफ्स होता है एक अहद होता है ये जो होता है लिखा है एक ही तरह का जाता है ऐसे ही लिखा जाता है लेकिन जो उसका मतलब जो है अलग अलग दोनों के मतलब अलग अलग हैं उसका मतलब वादा होता है ये जो आपका आ गया उसका मतलब वादा और ओहदा जो आ गया पेशे के लिहाज से आपका आ जाता है तो कहते हैं कि किदों का ज़िम्मेदार ठहराया जाए हुकूमत और आवाम के दरमियान करीबी तहलक कायम किया जाए यानी इनको करीब लाया जाए हुकूमत को और आवाम को इस निज़ामकूमत में तमाम माशर्ती और सियासी ग्रोहों को यानी जितने भी ग्रोपें इदारे को हुकूमत के कारोबार में बराबर का शरीक ठहराया जाता है पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर जो हैं मिलकर जो हैं वो फलाई काम करते हैं पब्लिक अवामी आ गया प्राइवेट भी अवामी होता है ये अवमी जितने भी इदारे होते हैं वो हुकूमत के साथ मिलकर फलाई कामें जो फलाह के लिए फ़लाह बहबूद के लिए यानी मिलकर ये सारे काम करते हैं तो अगे हम इनकी देखते हैं खसूसियात तो खसूसियात अच्छे नज़ाम की ख़ूबियाँ भी आप कह सकते हैं वो क्या हैं कि अच्छे नज़ाम की खसूसत में पहला आ गया अदलो इनाफ़ इसके बारे में मैं यहाँ पर एक कॉल आपको बताता चलूँ बहुत मशहूर सा कौल है कि कुफर का जो है माशरा या वो तो कायम रह सकता है लेकिन जुल्म जु का जो है माशरा वो कायम नहीं रह सकता यानी कुफर वाली हुकूमत तो चल सकती है लेकिन जुल्म ाली हुकूमत भी नहीं चल सकती तो अच्छे निज़ाम में यानी सबसे पहला पॉइंट यही दिया गया है कि अदलानासाफ़ का क़्याम ये नज़ाम अदलोासाफ़ पर मबनी होता है किसी फ़र्द या तबके से किसी किस्म की ज्यादी नहीं की जाती यानी आवाम से या कोई भी और मुस्लिम हो गैर मुस्लिम हो, जो भी हो उनसे किसी किस्म की कोई ज्यादी नहीं की जाती हर एक के साथ इंसाफ का सलूक होता है यानी सब के साथ बराबरी होती है फिर आगे इसका आ गया जी दूसरा पॉइंट कि जमूरी इकदार का फ़रोग जमुरी जमहूरीत से है यानी वो वाली हुमत जो अवाम ने अपने ज़रिए बनाई होती है सिंपल सी मैंने आपको तारीफ भी बताई थी कि जमहूरीकूमत की तारीफ यह है कि आवाम की हुकूमत आवाम के ज़रिए और अवाम के लिए तो इकदार कदर से है कहते हैं कि इस निज़ाम में जमूरी इकदार कौन कौन सी मसात इंसाफ बर्दाश्त और आज़ादी को फ़रग दिया जाएगा मसवात बराबरी को कहते हैं इंसाफ का इंसाफ वाला बर्दाश्त और आज़ादी को फ़रोग दिया जाएगा ओशद को ख़त्म करके लोगों को बराबर के इंसानी हकूक़ दिए जाएंगे यानी हर एक को उसके हकूक़ मिलेंगे लेंगे त तशद जो है उसका खात्मा किया जाएगा फिर आगे क्या कहते हैं कि चौथा तीसरा पॉइंट सॉरी इसका तीसरा पॉइंट आ जाएगा इसका बदानवानी का खात्मा यानी हुकूमत में वो लोग शामिल होंगे बाद आपको पता है करप्शन को कहते हैं करप्ट लोग इस अच्छे निज़ाम हुकूमत में नहीं होंगे अगर वो हैं भी तो उनका जो है उनसे पूछ के होगी सवाल जो आप या जो अब तलबी उनसे हो सकती है यानी करप्ट लोगों की ऐसे अच्छे नज़ाम हुकूमत में जगह नहीं होती तो ये भी लिख सकते हैं आप इसके तो अगला इसका चौथा पॉइंट है खुशहाल माशरे का क़्याम यानी ऐसे माशरे का क्याम अमल में लाया जाएगा कि वो खुशहाली के लिए तमाम तर जो हैं मवाद उनको मुहैया किया जाएगा यानी हर एक को बराबरी दी जाएगी कैसे कि उनको तमाम सियासी माशर्तीशी दीगर हर तरह के हकूक़ भी उन्हें मिलेंगे फिर आगे पाँचवा पॉइंट इनका आ गया जी मुकम्मल महबी आज़ादी तो आपको पता है कि पाकिस्तान में नाइन्टी सेवन यानि सतानवे फ़ीसद जो हैं लोग वो मुसलमान हैं और बाक़ी जो हैं तीन परसेंट जो हैं वो दूसरी बाकी मज़हब के लोग आ जाते हैं यानी उन लोगों के बारे में कहा गया है और जो मुसलमान हैं यानी सब को मकमल मजहबी आजादी होगी वह अपने मजहब के मुताबिक यानी जैसे इबादत करना चाहें जो कुछ करना चाहें वह अपने मज़हब के मुताबिक कर सकते हैं फिर आगे आ गया जी एतसाल से पाक माशरा ये लफ्ज़ इसका मतलब होता है किसी दूसरे से उसके हकूक़ छीनना यानी अच्छा निज़ाम हुकूमत में ऐसा हारगज़ नहीं होता यानी किसी फ़र्द को ये इजाज़त नहीं होती कि वह दूसरे के हकूक़ यानी उनसे छीन सके तो इसका ये क्या कहते हैं एक बुक में कि अच्छी जो हकूमत होती है इतसाल से पाक माशरा कायम करती है यानी ऐसा माशरा होता है जिनमें हर एक के हकूक फ़राज़ का जो है वो ख़्याल रखा जाता है किसी तबके को दूसरे का करने का कोई इख्तियार उनको नहीं होता और ना ही किसी तबका को उसके हकूक़ से महरूम किया जाता है यानी हर एक को उनका हक दिया जाता है तो सातवां पॉइंट इसका आज आ जाता है कि जिम्मेदार हुकूमत का असूल यानी हुकूमत जिम्मेदार होती है वो जो भी काम करती है उसकी जो, उस पर ज़िम्मेदारी के साथ करती है यानी उससे पूछ गछ होती है जो भी काम हो यानी अच्छे निज़ाम हुकूमत में कि ज़िम्मेदार होती है फिर एहतसाब का असूल एहतसाब आपको पता है कि एतसाब किसको कहते हैं कोई भी काम किया जाए उसके बारे में पूछ के अगर उसमें कोई गड़बड़ है तो वो क्यों है किस वजह से है और उस चीज़ को ख़त्म किया जाता है फिर आगे आ गया जी मुनासब मनसूबा बंदी यानी हर एक काम के लिए कोई बेहतरीन किस्म की मनसूबा बंदी की जाए यानी अच्छे निज़ाम हुकूमत में यही होता है कि जो भी मनसूबे बनाए जाते हैं जो भी काम शुरू किए जाते हैं वो एक मनसूबे के तहत होते हैं टाइम लिमिटेड होते हैं यानी उनके लिए टाइम होता है कि कौन से वक्त में कौन सा जैसा कि पाकिस्तान में ूब खान के दौर में और बाद में पाँच साल मनसूबे बने जाए बनाए गए थे कि इस पाँच साल मनसूबों में हमने ये ये काम करने ये ये हमारे अदहाफ़ हैं जो हमने पीछे पढ़ के भी आए हैं तो यही होता है कि अच्छे निज़ाम हुकूमत में भी मुनासि मनसूबा बंदी की जाती है हर एक काम के लिए तो आगे इसका आ गया जी दसवां पॉइंट दसवां पॉइंट इसका है कि हुकूमत और अवाम में रबता यानी इन दो लोगों के दरमियान यानी को इदारा और हुकूमत आ गई यानी इनके दरमियान अच्छा रबता होगा कि इसमें बुक में क्या है कि अच्छी हुकूमत अवाम औरत के दरमियान जो है रबता पैदा करती है अच्छे निज़ाम हुकूमत में ऐसा होता है ताकि मसाइल मालूम करके उनके मुनासिब इकदाम उठाए जा सकें उनके लिए मसाइल क्या हैं और उनको हमने हल कैसे करना है जिसकी बदौलत अवाम का हकूमत पर अतमाद बढ़ता है यानी अवाम हुकूमत से मुतमिन हो जाती है फिर ग्यारहवा पॉइंट है इसका कि महारत का असूल यानी अच्छे निज़ाम हुकूमत में माहिर लोगों को जो जो बंदा जिस काम का माहिर है उसको वही काम सौंपा जाता है यानी महारत का असूल अपनाया जाता है तो जैसे जो बंदा इलेक्ट्रिशियन का माहिर है उसको वही काम दिया जाएगा जो कंस्ट्रक्शन का माहिर है उसको वही किया काम दिया जाएगा यानी अच्छे निज़ाम हुकूमत में महारत के असूल को अपनाया जाता है माहिर लोगों को आगे लाया जाता है तो अब हम इसका थोड़ा सा मुजना देख देख लेते हैं कि इस्लाम अच्छा निज़ाम निज़ामकूमत और इस्लाम का इन आपस में कैसे ये मिलते जुलते हैं कहते हैं कि जब हम अच्छे निज़ाम हकूत को इस्लामी हुकूमत के मुताबिक नापते हैं तो हमें मालूम होता है कि इस्लामी हुकूमत वही फ़राज़ अंजाम दे रही है यानी इस्लामी हकूमत जो हमारी है वो वही काम करती है जो एक अच्छी निज़ाम जो अच्छा निज़ाम निज़ामकूमत या अच्छी, अच्छी इंतज़ामिया सर अंजाम देती है इससे हमें क्या मालूम होता है कि इस्लामी हुकूमत एक अच्छी इंतज़ामिया है यानी वो वही वाले काम होते हैं इस्लामी नज़ाम हुकूमत में भी यही चीज़ें हम आगे जा के हजरत उमर का जो अगला हमारा टॉपिक है उसमें हम देखेंगे ये सारी चीज़ें वही हैं यानी जो आपने ग्यारह पॉइंट अभी तक पढ़े हैं ये सारी वही चीज़ें होती हैं तो इसके सब का यानी हमने मुजन करके देख लिया है तो हमें क्या पता चलता है तो इसके बाद सब मुने के बाद हम ये कह सकते हैं कि इस्लामी हुकूमत अच्छी हुकूमत का नयामल बदल है यानी ये इससे मिलती जुलती है यानी एक बेहतरीन हुकूमत इस्लामी हुकूमत होती है और जो अच्छी हुकूमत होती है वो बिल्कुल सेम इसी तरह होती है नयामल बदल है इसका तो ठीक है आज के लिए इतना ही अगला हमारा टॉपिक है हजरत उमर का दौर हुकूमत वो हमने कल पढ़ना है और उसके साथ हम ये स्मार्ट सिलेबस में भी है आपके तो उसको कल इंशाल्लाह करेंगे